जब श्री राम ने सागर में सेतु बांधने का फैसला किया तो साथ ही उन्होंने ये भी मन बनाया कि जब तक सेतु बांधने का काम चलेगा तब तक मैं अपने इष्ट देव महादेव की पूजा करूंगा, शिवलिंग की स्थापना करूंगा। और फिर वहीं सागर किनारे रेत से शिवलिंग की स्थापना कर पूजा अर्चना करने लगते हैं। और 5 दिनों के पश्चात पूजा समाप्त होते होते हनुमान जी आते हैं और श्री राम से कहते हैं, प्रभु आपके आराध्य देव की कृपा से और आपके आशीर्वाद से समुद्र के ऊपर 100 योजन सेतु का निर्माण कार्य सफलता से पूर्ण हो गया है। श्री राम कहते हैं, इस सफलता पर आप सब बधाई के पात्र हैं। और फिर अपने इष्ट देव से कहते हैं, हे शंकर, मेरे प्रभु, मेरे इष्ट देव, आपकी असीम अनुकंपा से ही असंभव दिखने वाला कार्य इतनी सहजता से संभव हो गया। इन श्री चरणों में राम का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। और फिर शिवलिंग को प्रणाम करते हैं। फिर श्री राम कहते हैं, मेरी एक और विनती स्वीकार करो भोलेनाथ, मेरे समस्त अनुयायियों को अपनी भक्ति प्रदान करें। आपकी भक्ति से विमुख होकर जो मेरे पास आए उसे मेरी सेवा का कोई फल प्राप्त ना हो। प्रभु आपके अनंत नाम हैं, अपने सेवक राम की ओर से एक नाम और स्वीकार कर लीजिए। आज से यहाँ लोग आपको श्री रामेश्वर के नाम से जानेंगे। ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। तब हनुमान जी कहते हैं, प्रभु रामेश्वर नाम की व्याख्या करने की कृपा करें। तब श्री राम कहते हैं, जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर है, मैं शिव जी का सेवक हूँ, वो मेरे स्वामी हैं, अतः ये रामेश्वर है। अब भगवान शंकर कहते हैं, उमा, मेरे राम प्रभु की चतुराई देखी, कैसे अपनी वाक्पटुता से रामेश्वर की व्याख्या ही बदल डाली। तब माता उमा कहती हैं, तो ठीक व्याख्या क्या है स्वामी। तब भगवान शंकर कहते हैं, राम जिसके ईश्वर है वही रामेश्वर है, मैं तो उनका दास हूं, सदा राम नाम का ही जाप करता रहता हूं, अतः वही मेरे स्वामी हैं। तब माता उमा कहती हैं, आप दोनों की पूर्ण व्याख्याएं समझना तो किसी के लिए भी संभव नहीं है नाथ। तब भगवान शंकर कहते हैं, क्यों, मुझे समझना तो बहुत सरल है, मैं तो भोला भाला हूं, राम जी की था पाना असंभव है, उन्हें तो वही जान सकता है जिसे वे स्वयं जानते हैं। तब माता उमा कहती हैं, आप दोनों को नमस्कार। तब भगवान शंकर कहते हैं, नमस्कार तो उन्हें करो देवी। और फिर भगवान शंकर और माता उमा भगवान श्री राम को नमस्कार करते हैं।